राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सरल और प्रभावकारी उपाय के बारे में। तुलसी से जुड़े इस उपाय को करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के नीचे बांधे यह एक चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेरों आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी माँ का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बांधने से माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है? आपको वह सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय माँ तुलसी जरूर लिखें। माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। दोस्तों, तुलसी पवित्र और पूजनीय है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक तुलसी भी है। तुलसी को अमृत का प्रतिरूप कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ समस्त तीर्थों का भी वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में यह गलती करते हैं और तुलसी माँ का पूजन तो करते हैं लेकिन चुनरी नहीं उड़ाते। ऐसा करने से फलों की प्राप्ति नहीं होती, माँ तुलसी भी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी माँ को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी माँ को चुनरी उड़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि माँ तुलसी को हमेशा शुभ रंग की चुनरी जैसे कि लाल, पीली, गुलाबी या हरे रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए। तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ है और यह रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। इन रंग की चुनरी माँ तुलसी को उड़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ तुलसी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ध्यान रखें, तुलसी माँ को कभी भी काली, नीली या सफेद रंग की अशुभ रंग की चुनरी ना उड़ाएं। ऐसा करने से माँ तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। माँ तुलसी को शुभ रंग की चुनरी उड़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई लोग चुनरी उड़ाते समय एक गलती और करते हैं कि चुनरी पुरानी हो जाए, फट जाए, गंदी हो जाए, फिर भी उसे बदलते नहीं हैं या बदलने के लिए किसी शुभ दिन का इंतजार करते हैं। जब भी चुनरी गंदी हो जाए तो उसे धोकर वापस उड़ा दें, फट जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, वरना माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। तुलसी जी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी मत रखना, तुलसी माँ क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, जहाँ पर तुलसी का पौधा हो वहाँ अपने मुख से कभी भी कड़वे वचन ना बोले। तुलसी के पौधे के आसपास झूठे चप्पल, झाड़ू पोछा आदि ना रखें, इसे पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर पाप माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के नीचे आप दीपक जलाएं तो जब दीपक पूर्ण हो जाए
दीपक बुझ जाए तो उसे हटा देना चाहिए। बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखना भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूखकर अगर गिर जाएं तो उन्हें कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, पानी में बहा दें या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी का पूजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी घर में कभी मत लगाना, आपके घर में हमेशा परेशानी बनी रहेगी। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में, गंदी जगह या फिर टॉयलेट या कचरा रखने के स्थान के पास तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में कभी सूखी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है और सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी का भी घर में पास नहीं होता। तुलसी के सूख जाने के बाद उसे गमले से निकालकर तुरंत पानी में बहा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में सूखी तुलसी लगाना माँ लक्ष्मी का अपमान माना गया है। कभी भी घर की छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी तुलसी का पौधा ना लगाएं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा ही शुभ मानी जाती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे तुलसी सूख सकती है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। चप्पल पहनकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों में भी नहीं गिरना चाहिए, इससे धन की हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप भी लगता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में या बालकनी में ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से हवा तुलसी से स्पर्श करती हुई घर में आए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नियमित तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाना मंगलकारी माना जाता है। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को कभी भी बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो इसे अपने किसी पड़ोसी को आप दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है एक से ज्यादा तुलसी जब निकल आए तो इसे बहुत शुभ माना गया है। यह साक्षात माँ लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। तुलसी के पौधे को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 आदि। तुलसी के पौधे में रोज सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्याकाल के समय दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पास सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं। संध्याकाल के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते समय एक चुटकी हल्दी डालकर फिर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माँ के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और धन का अभाव कभी नहीं रहता। दोस्तों, तुलसी के आसपास कभी भी इस पौधे को मत लगाना, यह अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करता है और वह पौधा है नागफनी का पौधा। दोस्तों, नागफनी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पौधा अशांति फैलाता है, साथ साथ भूत प्रेत और आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। नागफनी का पौधा तुलसी के पास लगाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ तुलसी भी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जिस घर में तुलसी के पास यह चीज नहीं रखी जाती उस घर से लक्ष्मी माँ कोसों दूर रहती हैं।
तुलसी माता होती हैं क्रोधित। आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम जी को रखना बेहद जरूरी माना गया है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर है जो नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में कहा गया है शालिग्राम जी जहाँ होते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। उस घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होते हैं वह घर स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांध देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का घर में सदैव वास होता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार विशेष दिन जैसे कि गुरुवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि शुभ दिनों पर तुलसी के जड़ में एक चम्मच कच्चा दूध चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। माँ आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।